मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई बिकेम अ मदर एंड बीइंग अ मदर लीविंग योर बेबी एट होम कमिंग टू द ऑफिस इज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ बट ये सब पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई सपोर्टिंग फैमिली सपोर्टिंग टीम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम पैशनेट अबाउट माई टीचिंग मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ एंड हर मिडिल क्लास में पापा लोगों का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने ऐसे ही मेरे पापा का भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ बट मेरा जो सपने थे वो पापा के सपनों से कुछ अलग थे मैं इंजीनियर बनना चाहती थी एंड आई वॉन्टेड टू क्रैक जेई स्कूल टाइम में सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया करती थी एंड मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था फिर क्या था ट्वेल्थ के बाद मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया लेकिन मेरा पैशन जो था वो जेई था तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे जेई करना है फिर पापा ने कई सारे लोगों से डिस्कस किया तो सबने यही सजेस्ट किया आप अपनी बेटी को ड्रॉप मत कराओ उसकी रैंक क्वालिटी अच्छी आई है उसको एडमिशन दिला दो तो पापा ने मुझे समझाया और उस टाइम फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं एडमिशन ले लेती हूँ इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के पास मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं एक जॉब में चली जाऊँ या फिर हायर स्टडीज़ में जाऊँ तो मैंने चूज़ किया कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाती हूँ एमटेक के टाइम पे हमेशा ऐसा हुआ करता था कि जब कभी भी एग्जाम्स आते थे तो बच्चे जब कभी प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस करते थे या कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो उनको कभी भी अगर फंस जाते थे तो बस एक ही नाम आता था कि भाई सुरभि से पूछ लो जाके एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जो बच्चे एमटेक में हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है दैट मीन्स उनके बेसिक्स वीक है दैट मीन्स उन्होंने स्कूल्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एंड देन आई रियलाइज कि मुझे अपना करियर टीचिंग में बनाना है फिर मैंने मैथ्स की बुक्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया और मैथ्स में एक अच्छी होल्ड बना ली सब्जेक्ट में एक अच्छी नॉलेज ले ली आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमटेक आई मूव टू दिल्ली और मैंने वहाँ पे एक जेई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जहाँ पे मैं जेई के लिए बच्चों को पढ़ाने लगी 6 साल ऑफलाइन पढ़ाने के बाद इन 2019 आई गॉट मैरिड एंड मूव टू बैंगलोर बैंगलोर मूव करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं या फिर ऑनलाइन में अपने करियर को कंटिन्यू करूं एंड देन आई रियलाइज्ड ऑफलाइन में कुछ तो मिसिंग था क्योंकि वहां पे क्लास में सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रही थी जबकि इन ऑनलाइन जो रीच है वो आपकी बढ़ जाती है ऑनलाइन में आप लाखों स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो साथ साथ फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो और उस टाइम मैंने चूज़ किया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एंड आई ज्वाइंड इन ऑनलाइन टीचिंग और मेरी लाइफ में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया दैट आई बिकेम अ मदर और ड्यूरिंग माय लीव्स ड्यूरिंग माय ब्रेक्स आई रियलाइज कि मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है और फिर मुझे पता चला कि वो था मेरी क्लासेस मेरे स्टूडेंट्स और मेरा पैशन जो टीचिंग के लिए था फिर कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के सपोर्ट से आई री स्टार्टेड माई करियर मैं और मेरा फ्रेंड एक बार डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सिलेबस अबाउट द एजुकेशन एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट द एमवाइब और फिर क्या था मैंने एमवाइब के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है विद 2D 3D एनिमेशन एंड AI के साथ और यहाँ पे लैंग्वेजेस का कोई बैरियर नहीं है दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमवाइब ज्वाइन करना है Finally, I joined MBI and I'm so happy to be the part of this future of EdTech. ये थी मेरी कहानी मेरी जवानी Thank you so much. Keep imbibing. We believe in you.